नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी न्यूज़। आपके साथ में हूं पूजा परमार। आपणों उत्तराखंड में खबरों की शुरुआत करते हैं। केदारनाथ पुनर्निर्माण के तहत दूसरे चरण के निर्माण कार्यों के लिए भारतीय सेना का चिनूक हेलीकॉप्टर मंगलवार को गोचर हवाई पट्टी से धाम भारी मशीनें पहुंचाएगा। भारतीय सेना का यह मालवाहक हेलीकॉप्टर गोचर हवाई पट्टी पर पहुंच चुका है। उधर केदारनाथ में भी हेलीकॉप्टर की सफल लैंडिंग और मशीनों को उतारने के लिए प्रशासन और डीडीएमए की ओर से सभी जरूरी कार्रवाई पूरी कर दी गई है। अमेरिका में निर्मित इस हेलीकॉप्टर से तीन भारी मशीनें, जिसमें डंपर, हाइड्रा और जेसीबी रखी गई है, जिन्हें पार्ट्स के रूप में केदारनाथ पहुंचाया जाएगा। चिनूक हेलीकॉप्टर की ओर से 17 अक्टूबर को केदारनाथ में MI-26 हेलीपैड पर सफल लैंडिंग की गई थी। चिनूक CH-47 हेलीकॉप्टर 20,000 फीट से भी अधिक ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है। साथ ही यह एक समय में 12 टन से अधिक वजन वाले सामान को साथ ले जा सकता है। चिनूक हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल विश्व के 26 देशों की ओर से किया जा रहा है। डीएम वंदना सिंह ने कहा कि चिनूक की ओर से मशीनों के धाम पहुंचते ही पुनर्निर्माण के दूसरे चरण के कार्य शुरू कर दिए जाएंगे। सभी कार्यदायी संस्थाओं को समयबद्ध निर्माण के लिए शासन स्तर से जरूरी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। किच्छा की नई अनाज मंडी में राइस मिलर द्वारा धान न खरीदने पर किसान मेन गेट बंद करके धरने पर बैठ गए। उत्तराखंड के किसानों का कहना है कि उनकी फसल उचित मूल्य में नहीं खरीदी जा रही है और सरकार भी उनकी नहीं सुन रही है। किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी फसल उचित मूल्य पर नहीं खरीदी जाती तो बड़ा आंदोलन करेंगे। अच्छा नहीं लगता, बहुत मजबूर होकर धरने पर बैठना पड़ता है। किसी भी किसान के पास टाइम नहीं है कि यहाँ पर बैठे। इस वर्ष धान की बहुत बेकदरी हो रही है। जिस दिन से धान का शुरू हुआ है 1100, 1200, 1300, 1350 से ऊपर धान नहीं बिक रहा और उसमें से भी 50 रुपये कटौती कर रहे हैं। पिछली 13 अक्टूबर से मिल वालों के साथ बैठ के समझौता हुआ था सभी पार्टियों का, किसान सभा का भी, मॉइस्चर काट कर एरिए का धान लिया जाए उत्तरांचल वालों का। उन्होंने पासबुक मांगी थी, आधार कार्ड मांगा था, खतौनी मांगी थी। अच्छा, उन्होंने अपना पंखे वंखे का भी 1.5 किलो कर दिया, मॉइस्चर का MSP में भी कम कर दिया, तो हम फिर भी उसमें मान गए। तो किसानों को बाद में बताया कुछ नहीं है, ट्रालियां खड़ी उनकी, वो किसान यहाँ आके ट्रालियां खाली कराने को कह रहे हैं, लेकिन बाद में पता चला वो कह रहे हैं हमारा तो पोर्टल बंद हो गया, ट्रालियां अपनी यहां से ले जाओ। क्षेत्र के निवासियों की राशन कार्ड और प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित समस्याओं को लेकर आम आदमी पार्टी का एक शिष्टमंडल खंड विकास कार्यालय में खंड विकास अधिकारी से मिला। आम आदमी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष बिशन दत्त जोशी ने खंड विकास अधिकारी को इन समस्याओं के निराकरण के लिए ज्ञापन दिया। ज्ञापन में कहा गया है कि क्षेत्र के विभिन्न ग्रामों में अनेकों परिवार ऐसे हैं जिनके राशन कार्ड नहीं बने हैं। इस कारण से इन परिवारों को सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ज्ञापन में ऐसे परिवारों को अतिशीघ्र उनकी पात्रता के अनुसार APL, BPL अथवा अंत्योदय योजना के राशन कार्ड देने की बात कही गई है। ज्ञापन में आगे कहा गया है कि क्षेत्र में अनेकों ग्रामों में प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र परिवार जिनका नाम विभाग द्वारा जारी किया गया है पूर्व की सूची में था, उनको बिना कोई कारण बताए उनका नाम इस सूची से काट दिया गया है। ज्ञापन में ऐसे परिवारों को भी अतिशीघ्र आवास दिए जाने की भी बात कही गई है। ज्ञापन में अंत में अतिशीघ्र कार्रवाई न करने पर तीव्र आंदोलन की भी चेतावनी दी है। आज खंड विकास कार्यालय में खंड विकास अधिकारी जी से मिला है। हमने पिछले दिनों जो पूरी नानकपत्ता विधानसभा के अनेकों ग्रामों में जो भ्रमण किया था, उस दौरान जो है हमारे आगे कई तरीके की समस्याएं आई थी सामने, उन समस्याओं को लेके आज हम खंड विकास अधिकारी जी से मिले हैं। हमारे नानकमत्ता विधानसभा में बहुत सारी परिवार ऐसे हैं जो वर्षों से जो है विधानसभा के कई विभिन्न ग्रामों में रह रहे हैं, लेकिन उनके राशन कार्ड आज तक नहीं बने हैं। तो ऐसे परिवारों के अतिशीघ्र राशन कार्ड बनाए जाने की बात हमने BDO साहब से कही। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।
और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राज्यसभा चुनावों के लिए सोमवार को किसी भी प्रत्याशी ने नामांकन पत्र नहीं खरीदा। मंगलवार को नामांकन पत्र खरीदने के लिए आखिरी दिन है। राज्यसभा चुनावों के लिए बनाए गए रिटर्निंग ऑफिसर और प्रभारी सचिव विधानसभा मुकेश सिंघल ने बताया कि राज्यसभा की एक सीट के लिए अभी तक किसी भी प्रत्याशी ने नामांकन नहीं खरीदा है। हालांकि भाजपा के प्रदेश मंत्री आदित्य चौहान ने चुनावों के लिए बनाए गए निर्वाचन कार्यालय से मतदान सूची का एक सेट खरीदा है। रिटर्निंग ऑफिसर सिंघल ने बताया कि मंगलवार को नामांकन पत्र भरने का आखिरी दिन है, ऐसे में मंगलवार को ही प्रत्याशी द्वारा नामांकन पत्र खरीदा या भरा जाएगा। विदित है कि पिछली बार हुए राज्यसभा की एक सीट के चुनाव में भी भाजपा प्रत्याशी ने आखिरी दिन ही नामांकन पत्र भरा था। लघु व्यापार एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा का कहना है कि हरिद्वार में तमाम रेड़ी पटरी वालों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं चल रही हैं, जिनमें राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत किस प्रकार से स्ट्रीट वेंडर्स को समाहित किया जाए, इसी को लेकर मेलाधिकारी को उन्होंने ज्ञापन दिया है। वही मेलाधिकारी दीपक रावत का कहना है कि मेले में अलग अलग सेक्टर बनाए जाते हैं, उसको टेंडर के माध्यम से अलॉट किए जाते हैं। मेले को लेकर सभी तैयारी चल रही है, कोरोना का भी ध्यान रखा जा रहा है। ये तमाम रेड़ी पटरी वालों को भारत सरकार और राज्य सरकार की जो योजनाएं चल रही है, जिसमें राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत किस प्रकार से तमाम रेड़ी पटरी के स्ट्रीट वेंडरों को समाहित किया जाए, उसी संदर्भ में मैंने आज आग्रह किया है कि तमाम मेला क्षेत्रों के अंदर जो मेले के दौरान पार्किंग बनेंगी, बस अड्डे बनेंगे इत्यादि क्षेत्रों के अंदर जो भी अस्थायी रूप से कार्य होगा, कि तमाम रेड़ी पटरी के जो स्ट्रीट वेंडर हैं, लघु व्यापारी हैं, मेले में अलग अलग सेक्टर्स बनते हैं, सेक्टर्स के अलावा बस अड्डे बनते हैं, बहुत सारी छोटी पार्किंग्स बनती हैं, तो इसमें लिहाजा सभी जगह वेंडिंग जोन्स की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें रोज़मर्रा की आवश्यकता की चीज़ें हों, खाने पीने के स्टॉल्स हों, और भी बहुत सी फैसिलिटीज़ होती हैं जो दे सकते हैं। तो आमतौर पर यही व्यवस्था होती है कि जो वेंडिंग जोन हम बनाते हैं उसको टेंडरिंग के माध्यम से एक पारदर्शी तरीके से इसको अलॉट करते हैं। दूसरा जो वेंडिंग जोन का आप मसला पूछ रहे हैं वो ये है कि टाउन वेंडिंग कमेटी जो गठित है हरिद्वार शहर के अंदर, उसको भी वेंडिंग जोन्स बना के अलग अलग वेंडर्स को देने थे, जिसका कारण उत्तराखंड के ऋषिकेश में खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए चित्तरवाला ग्राम सभा में नया पहल की गई है। यहाँ आयुष अकेडमी खोली गई है, जिसमें ना सिर्फ मैदानी इलाके के खिलाड़ियों को बल्कि सुदूरवर्ती पहाड़ी क्षेत्र के भी खिलाड़ियों को उनकी प्रतिभा निखारने का मौका मिलेगा। दिलचस्प बात यह है कि एकेडमी की ओर से आर्थिक रूप से कमजोर खिलाड़ियों को स्कॉलरशिप की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। बता दें कि खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित संजय भारद्वाज भी एकेडमी से जुड़े हैं। उनका कहना है कि एकेडमी में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को नेशनल से लेकर इंटरनेशनल स्तर तक ले जाना है, ताकि वह राज्य और क्षेत्र का नाम देश दुनिया में रोशन कर सकें। आप लोग देख पा रहे हैं अभी हमारे पास ना सबसे बड़ी बात क्या है कि उत्तराखंड में अभी तक एक साथ दो ग्राउंड आप लोगों को नहीं देखने को मिले होंगे जो यहाँ पे है। इसके अलावा हम लोग डे नाइट की फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, साथ में मेनली क्या है कि इली क्षेत्र होने के कारण यहाँ पे बारिश में 3 महीने बच्चे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहते हैं, तो हम लोगों ने उसको ध्यान में रखते हुए भी बहुत अच्छा इनडोर का सेटअप किया है, जिसमें बारिश में किसी भी प्रकार की बच्चों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। और मेनली हमारा सर जो हिली एरिया है उन्हीं बच्चों पर हमारा ज्यादा फोकस रहेगा, ताकि वो यहाँ पे ऋषिकेश में आम मरीजों के इलाज की सुविधा के लिए सभी विभागों की ओपीडी संचालित की जाने लगी है। ओपीडी सेवाओं में फिर से विस्तार किए जाने से अब सामान्य रोगियों को भी सुविधाएं मिलने लगी है। कोरोना की रफ्तार कम होते ही सामान्य बीमारी के मरीजों ने भी अपना इलाज करवाने के लिए फिर से अस्पतालों की ओर रुख करना शुरू कर दिया है।
ऐसे में सामान्य रोगियों की परेशानियों को देखते हुए एम्स ऋषिकेश ने भी अपनी ओपीडी सेवाओं में इजाफा किया है। याद दिला दें कि पूर्ण लॉकडाउन के दौरान एम्स ऋषिकेश में भी ओपीडी व्यवस्थाओं में बदलाव किया गया था। हालांकि उस दौरान भी एम्स में इमरजेंसी ओपीडी, टेलीमेडिसिन ओपीडी और कोविड मरीजों के लिए विशेष ओपीडी दैनिक तौर से जारी रखी गई थी। आपको बता दें कि अब ऋषिकेश में एम्स प्रशासन ने ओपीडी शुरू कर दी है, जिससे कि कोरोना के अलावा अन्य मामूली बीमारियों के मरीजों को भी सुविधा मिल रही है। हमारे डायरेक्टर साहब के आदेशानुसार तकरीबन सारी ही ओपीडीज स्टार्ट कर दी गई हैं। इसमें जब मरीज़ पहले आता है तो गेट से एंटर होते ही उसको रजिस्ट्रेशन डेस्क पे ले जाया जाता है, गेट के बहुत पास है, वहाँ पर उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है और टोकन उसका बन जाता है। उसके बाद वो जो नॉन कोविड ओपीडी का एरिया है वहाँ पर आ जाता है, वहाँ पर हमारी सारी ही ओपीडीज की व्यवस्था है, जैसे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, ऑब्स्टेट्रिक्स, गायनेकोलॉजी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, ENT, यूरोलॉजी, PMR, साइकेट्री, पल्मोनरी मेडिसिन, ये सारी ही ओपीडीज के डॉक्टर्स 8:30 बजे से यहाँ पर चारों तरफ जो उनकी कंसल्टेशन डेस्क है वहाँ पर। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग जांच बढ़ाने का दावा कर रहा है, लेकिन कोविड के संदिग्ध लक्षणों के आधार पर प्रयोगशाला भेजे गए सैंपल की जांच रिपोर्ट की प्रतीक्षा लगातार बढ़ रही है। 16,000 से ज्यादा सैंपल की जांच रिपोर्ट अभी आना बाकी है। ऊधम सिंह नगर, चंपावत और नैनीताल जिले में सैंपलों का बैकलॉग सबसे अधिक है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण का पहला मरीज मिलने के बाद से अब तक 9.50 लाख से ज्यादा सैंपल की जांच की जा चुकी है। इसमें 60,000 से अधिक कोरोना संक्रमित मामले मिले हैं। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सरकार का सैंपल जांच बढ़ाने का फोकस है। विभाग की ओर से सरकारी और निजी पैथोलॉजी लैब में प्रतिदिन औसत 10,000 सैंपल की जांच की जा रही है, साथ ही सैंपल की प्रतीक्षा भी लगातार बढ़ रही है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार ऊधम सिंह नगर जिले में 4,378, चंपावत जिले में 3,291, पिथौरागढ़ में 2,897, देहरादून में 1,607, हरिद्वार में 1,056, टिहरी में 1,271, उत्तरकाशी में 991, बागेश्वर में 302, अल्मोड़ा में 120, पौड़ी में 210, पिथौरागढ़ में 476 और रुद्रप्रयाग में 101, साथ ही चमोली में 140 सैंपल अभी प्रतीक्षा में हैं। यहां रुकते हैं ब्रेक के लिए। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। ये दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है, इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे एक महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 0114545445 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खाद्य सुरक्षा विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही का खामियाजा भारी तादाद में गुड़ खाने वाले लोगों को भुगतना पड़ रहा है, जिससे एक बड़ी घटना भी घट सकती है। आपको बता दें कि अभी हाल ही में मिलावटी कुट्टू का आटा खाने से भगवानपुर क्षेत्र के सैकड़ों लोगों की हालत बिगड़ गई थी, जिन्हें क्षेत्र के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती करवाया गया था। वहीं सबसे भारी मात्रा में भगवानपुर क्षेत्र के हालूमजरा गांव में कहीं लाल गुड़ तो कहीं अलग रंगों के गुड़ का निर्माण जोरों से चल रहा है, जिससे गुड़ खाने वाले लोगों के साथ चरखी संचालकों द्वारा ठगा जा रहा है, जो एक बड़ी दुर्घटना को न्योता दे रहे हैं। गुड़ में खुलेआम खराब चीनी, सड़ी हुई राव और साथ ही खतरनाक रंगों के केमिकल का इस्तेमाल लगातार हो रहा है, जिससे बाहर भी भेजा जा रहा है। बड़े मुनाफे की चाहत में सैकड़ों चरखी मालिक एक खतरनाक किस्म का गुड़ लोगों को परोस रहे हैं। वहीं इस संबंध में खाद्य सुरक्षा अधिकारी संतोष कुमार को अवगत कराया गया तो उन्होंने कहा कि अब से पहले भी इस तरह का नजर जहर बनाने वाले लोगों पर कार्रवाई की जा चुकी है और आगे भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि आखिर किसकी शह पर ये चरखी मालिक जहर बनाने का काम बेरोकटोक कर रहे हैं? उन्हें शासन और प्रशासन का भी कोई भय नहीं है। कुछ नहीं है, जो मार्केट से मांग आती है उसी के लिए इनसे पूरा करा जाता है ऑर्डर। उनका लाल तो इसलिए रंग लगाया जा रहा है कि मार्केट में इस चीज़ की जो माल की ज़्यादा चाहना है, लाल रंग इसलिए लगाते हैं। इनसे दिक्कत नहीं आए, खाने का रंग है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मीठा जहर बताया जा रहा है, मीठा चाहिए नहीं है, ना कोई केमिकल है इसमें ना कुछ। तेजीपुर क्षेत्र वो बहुत से लगा रहे होंगे इसमें रंग, उसमें ज़्यादा तेज लगा देते होंगे इस वजह। ऋषिकेश के साईं घाट के पास नहाते समय एक युवक गंगा में बह गया। आसपास में नहा रहे लोगों ने युवक को बचाने की कोशिश की लेकिन सफल नहीं हो सके। घटना की जानकारी पुलिस को मिली तो मौके पर पुलिस पहुंची। आस्था पथ के किनारे सर्च अभियान के दौरान युवक का शव वीरभद्र रोड गली नंबर 10 के पीछे पत्थरों में फंसा हुआ मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त के प्रयास किए लेकिन मृतक के कपड़ों से ऐसी कोई भी आईडी नहीं मिली जिससे उसकी पहचान हो सके। IDPL चौकी प्रभारी चिंतामणि मेड़ानी ने बताया कि फिलहाल मृतक के शव को 72 घंटों के लिए इसकी मोर्चरी में रखवा दिया गया है। मृतक की पहचान के लिए आसपास के थाना क्षेत्रों में भी फोटो भेजी गई है। आपको बता दें कि ऋषिकेश के साईं घाट के पास नहाते समय एक युवक गंगा में बह गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शिनाख्त का प्रयास किया लेकिन युवक के पास से ऐसी कोई भी आईडी बरामद नहीं हुई जिससे कि उसकी पहचान हो सके। वहीं पुलिस प्रशासन का कहना है कि मृतक के शव को 72 घंटे के लिए एम्स की मोर्चरी में रखवा दिया गया है और साथ ही उसकी पहचान के लिए आसपास के थानों को भी उसकी फोटो भेजी गई है ताकि परिजनों को सूचना मिल सके। ऋषिकेश के पुराने रेलवे स्टेशन के पास बनी नई सड़क के बीच रखा बिजली का ट्रांसफार्मर लोगों की मौत का सबब बन रहा है। देर रात भी अंधेरा होने की वजह से एक युवक ट्रांसफार्मर से टकरा गया जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना से आक्रोशित स्थानीय लोगों ने पहले तो रेलवे स्टेशन का घेराव किया, जब अधिकारी बाहर नहीं निकले तो लोगों ने रेलवे रोड पर जाम लगा दिया। जाम की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। हंगामा कर रहे लोगों को समझाने की कोशिश की गई लेकिन स्थानीय लोग जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग पर अड़े रहे। ऐसा ये बहुत दुखद घटना हुई है। कल रात 9:30 बजे प्रदीप पाल जो हमारे स्थानीय निवासी यहीं का बनखंडी का, वो इस रोड से आ रहे थे लेकिन बीच सड़क में ट्रांसफार्मर होने के कारण वो उससे टकरा गए और उनके ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई। लेकिन हमने फिर उनको एम्स पहुंचाया लेकिन वहाँ पे उन्हें मृत घोषित कर दिया। बड़ा दुख का विषय है कि ये दो विभागों के आपस के टकराव के कारण एक व्यक्ति की जान चली गई, वो भी गरीब व्यक्ति जो उस पर किसी प्रकार का उसके परिवार का आश्रय नहीं था, वो पूरा परिवार उसी पे ही आश्रित था। और ये विभागों का आपस में, इनका बिजली विभाग का या रेलवे का जो भी आपस में मामला, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। जब तक इन्होंने क्या कहते हैं ये ट्रांसफार्मर रोड से नहीं हटाया था तब तक इन्होंने रोड पुरानी वाली बंद क्यों करी? सबसे बड़ी बात तो ये है, जब तक इनका कार्य पूरा नहीं हुआ था।
सोमवार को अचानक से मौसम बदला और यमुनोत्री धाम में सीजन की पहली बर्फबारी हुई। बर्फबारी होने से तीर्थ पुरोहितों और यहां पहुंचे यात्रियों के चेहरे खिल गए। बर्फ गिरने से धाम में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, वहीं केदारनाथ में भी दोपहर बाद हल्की बर्फबारी हुई। सोमवार सुबह चटक धूप खिली, लेकिन दोपहर बाद मौसम बदला और 12:30 बजे यमुनोत्री धाम में बर्फबारी शुरू हो गई। धाम में करीब आधा घंटे तक बर्फबारी हुई। हालांकि बर्फ जमी नहीं, लेकिन कड़ाके की ठंड होने लगी है। वहीं केदारनाथ में 3 बजे के बाद हल्की बर्फबारी शुरू हो गई, जो लगभग आधा घंटे तक रही। धारचूला में शीतकाल शुरू होते ही भेड़ पालक चीन सीमा से सटे बुग्यालों से घाटियों की ओर लौटने लगे हैं। उच्च हिमालयी क्षेत्रों से लौटकर भेड़ पालक भेड़ों को लेकर अब तराई भावर के जंगलों में जाएंगे। धारचूला के व्यास और दारमा घाटियों के 21 गांवों को लोग इस साल हर साल माइग्रेशन पर उच्च हिमालयी क्षेत्रों में स्थित अपने मूल गांव में जाते हैं। इन गांवों में से अधिकांश ग्रामीणों का व्यवसाय ऊनी कारोबार से जुड़ा होने के कारण भेड़ पालक भी करते हैं। आपको बता दें कि जोशीमठ में भालू का हमला थमने का नाम नहीं ले रहा है। जोशीमठ के अलग अलग जगह पर भालू ने 4 लोगों पर हमला किया, जिसे 4 व्यक्ति घायल हो गए। सूचना के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद घायलों को उपचार के बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जोशीमठ लाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद घायल व्यक्तियों को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। हालांकि वन विभाग की टीम भालू को भगाने में लगी हुई है। सभी घायलों को सहायता राशि भी दी गई है। वो पहली घटना लगभग 6:30 बजे की है। पीएम की दोनों पति पत्नी खेत में देर साय तक जो है काम कर रहे थे। अचानक झाड़ियों से भालू आया और उसके पति को, दिनेश सिंह है, उसके पति को घायल किया, जिसके बाद वो लोग उसको यहाँ हॉस्पिटल आए। हमें फ़ोन किया गया, हम हॉस्पिटल पहुँच कर उसका उपचार कराया गया। प्राथमिक उपचार के बाद जो है उनको सहायता राशि दे करके उन्हें जो है डॉक्टर साहब ने श्रीनगर के लिए रेफर किया। जोशीमठ की स्थिति को देख के तो बहुत दुख होता है। एक आदमी 2 घंटे से यहाँ इंतजार कर रहा है, ना कोई स्टाफ है। डॉक्टर ने महारानी जी हमारी जो है बस पेशेंट को देख के चली गई है। कम से कम उनसे प्राथमिकता पूछती, माता जी कहाँ पे कितनी तकलीफ हुई है, कितना आपको काटा हुआ है भालू ने, इतना घायल कर रखा है 2 घंटे से। एक तो यहाँ गाड़ियों की परेशानी है, एक तो हम बड़ी मुश्किल से चारपाई डंडी कंडी में लेकर के हमको बड़ी मुश्किल से यहाँ हॉस्पिटल पहुँचाया, और भालू चारों ओर घूम रहा है। यहाँ आने के बाद भी हॉस्पिटल में आने। उत्तराखंड के यूएस नगर जिले में एक बहुत ही दुर्लभ लाल कोरल कुकरी सांप देखा गया। बता दें कि वन अधिकारियों ने उसे बचा लिया है। यह 3री बार है कि दुर्लभ सांप को इस साल उत्तराखंड में देखा गया है। इससे पहले इसे नैनीताल जिले में देखा गया था, जबकि रविवार को इसे यूएस नगर जिले के दिनेशपुर क्षेत्र में देखा गया था। वन अधिकारियों के अनुसार इस दुर्लभ सांप को पहली बार 1936 में उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी इलाके में देखा गया था, जहां से इसे अपना वैज्ञानिक नाम ओलिगोडोन कैरियंसिस मिला। इसके नाम से प्रत्यय कुकरी गोरख के कुकर या फिर घुमावदार चाकू से आता है, क्योंकि इसके दांत कुकर के ब्लेड की तरह घुमावदार होते हैं। उत्तराखंड के वन विभाग के अधिकारियों ने सांप को यूएस नगर के एक स्थानीय निवासी के घर से बचाया, जहां पर वह छिपा हुआ था, और उसे पास के वन क्षेत्र में छोड़ दिया था। तराई सेंट्रल के प्रभागीय वनाधिकारी अभिलाषा सिंह ने कहा कि रुद्रपुर वन रेंज टीम को दिनेशपुर क्षेत्र के जगदीशपुर गांव के रहने वाले एक त्रिलोकी से रविवार दोपहर एक सांप से बचाव के बारे में फोन आया था। उन्होंने कहा कि जब वन की टीम वहां पर गई तो सांप को बचाया, और उन्होंने महसूस किया कि यह दुर्लभ लाल मूंगा सांप है। यह घर के आंगन में एक पेड़ के पास छिपा था। बचाव के बाद सांप को पास के जंगलों में छोड़ दिया गया। मेरे साथ खबरों फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए एएनबी न्यूज़। नमस्कार।